आप रिक्वेस्ट करें इस पे हमें जाने दें। चाइनीज बैठे हुए आगे यार, चाइनीज से रिक्वेस्ट आप कर लो, आपकी जबान समझते हो। भाई जो है इन्होंने हमें रोका हुआ है यहाँ पर कब से, अब टाइम देखे सिर्फ आधा घंटा रहता है और हम इनसे कह रहे हैं हमें करीब पहुँच चुके हैं जी, जहाँ से पानी पानी की अबशार आ रही है। कमाल माशाल्लाह, जो है करें ना। हाँ बिल्कुल। हाँ भाई जो है शाह जी, थोड़ी वजह ना सर लेट थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? पार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों हम लोग रेस्ट करने के बाद, अब ड्राइवर को उठा रहे हैं, ड्राइवर काफ़ी नींद में सो चुका है। हाँ। ये देखें जी, तो अभी उठा रहे हैं से फ्रेश हो जाए, फिर हम यहाँ से निकलेंगे बशाम सफ़र के लिए। हम लोग पहुँच चुके हैं जी दासू, बहुत ही जलील हुए हैं, अभी भी 210 किलोमीटर का सफ़र आगे है गिलगित बल्तिस्तान का, और हम लोगों ने सोचा हुआ यही कि चलास में स्टे करेंगे। और हर से ना बीफ टिक्का बनवा कर लाए थे, ये अभी गर्म करवाए दी, अभी गर्म करवाए, ये देखिए जी माशाल्लाह। अगर आप लोगों ने खाना है तो आ जाएं चलास हम बैठे। दोस्तों खाना शाना खा लिया, अब 10-15 मिनट यहाँ रेस्ट करते हैं, फिर हम अपने सफ़र की तरफ निकल जाएंगे इंशाल्लाह। तो नई टनल बन रही है सामने, देखें जी। दोस्तों हम लोग खड़े हैं तत्ता पानी के पास, यहाँ पर आगे ब्लास्टिंग हो रही है, रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है, तो हम लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं यहाँ पर, रास्ता शाम 7 बजे खुलेगा, तो हम लोग यहाँ पर अब वेट करेंगे, वेट के अलावा कुछ नहीं। ठंडा पानी इस वक्त देता है, हमने शौकत को भेजा, ये देखिए इतना दूर गया हुआ है शौकत भाई पानी देने, ये देखें ये सामने वो अंदर हो गया, अब मैं जूम आउट करता हूँ चेक करें, वो देखो बहुत दूर गया बेटा, इधर से एक लड़का ये भी है, ये देखें। हाँ भाई जो है करें ना। हाँ बिल्कुल। हाँ भाई जो है शाह जी, थोड़ी वजह ना सर लेट थी। दोस्तों बिल आखिर शौकत भाई पानी की बोतल लेके आ गए, ओ वहाँ से जहाँ से वो बंदे देख रहे हैं। हाँ भाई कैसा लगा? मेरे को काम करवाओ भैया, कोई काम का नहीं था। मैं तेरे को मना किया था, मैं खाना बने। यहाँ पर दोस्तों बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, अब बॉल चली गई नीचे खाई में, हम लोग भी उनके साथ फील्डिंग कर रहे थे, शूज़ मेरे टूट गए हुए, शौकत भाई ठीक करके दे रहे हैं। शौकत भाई तेरा मेरा जन्मों का साथ है। पर दोस्तों बड़ा जलील हो रहा है यहाँ पर, ये आप जगह देख रहे हैं, इस जगह के ऊपर ना रोड बन रहा है, उस पर काम हो रहा है अभी, इन्होंने मतलब इंतज़ामिया ने ब्लास्टिंग की है, तो वो सारा पत्थर नीचे है दूसरी साइड पे, मैं जा रहा हूँ उसी साइड पे, आपको भी दिखाता हूँ, तो इस वजह से इन्होंने ये ट्रैफिक सारी बंद की हुई है 7 बजे तक, डेली यही काम होता है 4 से लेकर 7 के दरमियान ये बंद रखते हैं 3 घंटे, फिर रात 11 से लेकर 1-2 बजे तक ये बंद रखते हैं शहरा, इसे पता नहीं शहरा रेशम कहते हैं आई थिंक। कल रात दोस्तों 9:15 बजे हम लोग निकले थे इसी ड्रेसिंग में, इसी शूज़ में, और अब जाके हम लोग मतलब के चलास के करीब पहुँचे, चलास अभी भी 50 किलोमीटर आगे बढ़ा है, और जहाँ हम कोहिस्तान में फंसे खड़े हैं, मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया हम लोगों ने, वैसे ही दोस्तों पीले काले पहाड़ और बीच में दरिया, कमाल माशाल्लाह, पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो बस शऊर की और यहाँ की मैनेजमेंट की, इंतज़ामिया की, जहाँ अच्छे लोग बैठ के इस चीज़ को सही तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि अब तक नहीं किया जा रहा, इस बहुत कुछ है पाकिस्तान में, वसाइल बहुत है मसाइल भी बहुत हैं, तो हल करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, हल करने वाला जिस दिन कोई बंदा आ गया ना पाकिस्तान को, उस दिन किसी से मुल्क के कर्जे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। दोस्तों हम लोग इधर से आ गए हैं, वो आप सामने ऊपर बंदे देख रहे होंगे, ये देखें ये जो काम कर रहे हैं सारे, वो देखें मजदूर, यहाँ पर अभी ब्लास्ट किया इन्होंने, और ये पत्थर सारा नीचे आ गया, वो सारा रोड ब्लॉक किया हुआ, इस वजह से उन्होंने हमारी ट्रैफिक वो नीचे रोकी हुई है वो पीछे,
तो काफ़ी जलील हो रहे हैं हम लोग। 7 बजे से पहले कह रहे हैं आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ब्लास्ट होने के बाद जितना भी पत्थर नीचे आया उसको क्लियर करेंगे, रोड को साफ करेंगे, फिर ही जो स्याह हैं उनको फिर ही आगे जाने दिया जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि स्याहों को पीछे रोक लिया जाता है, वरना खुदा ना खासा कुछ भी थोड़ा सा भी कहीं से इशू बन गया तो फिर टूरिज़्म के लिए बड़ा मसले मसाइल हो जाते हैं। हम लोगों को भी थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए, हमारे फ़ायदे के लिए ये काम किए जाते हैं। तो वैसे भी ऊपर सड़कें बन रही हैं अब, तो इससे मज़ीद हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी इंशाल्लाह। आपने पीछे मेरी देखी होगी पूरी 1 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है, जो न्यू टनल बन रहा है, बहुत प्यारा टनल खूबसूरत बना रहे थे। तो अभी मतलब कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, हम लोग गुजर के आए हैं तो उसमें काम जारी था, तो वो भी हमारे फ़ायदे के लिए ही बनाया गया। बड़ी बड़ी तकलीफ से 2021 में हमने आए थे, वहाँ उससे रोड से पानी गुजरता था, अब माशाल्लाह से टनल बन गया वहाँ पे, बहुत कमाल की है। आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। बहुत तारीख है 20 जून और हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। जो दोस्त भी इस तरफ आना चाहता है, शराय रेशम की तरफ, चलास, गिलगित, हंजा की तरफ जाना चाहता है, तो वो 4 बजे से पहले पहले यहाँ से निकल जाए आगे, क्योंकि 4 बजे के बाद यहाँ पर ब्लास्टिंग करनी होती है और ये रोड बंद कर देते हैं। दोस्तों ट्रैफिक होगी ओपन, तो हम लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं जी, सारे जा रहे हैं। तो ये भाई जो हैं इन्होंने हमें रोका हुआ है यहाँ पर कब से, अब टाइम देखे सिर्फ आधा घंटा रहता है और हम इनसे कह रहे हैं हमें आगे जाने दिया। क्या चल, खैर कोई ना, खान साहब दिखाना एक मिनट, आप रिक्वेस्ट करें इस पर हमें जाने दें। चाइनीज बैठे हुए आगे, यार चाइनीज से रिक्वेस्ट आप कर लो, आपकी जबान समझते हो। अच्छा चल रहे, आप आधे घंटे बाद छोड़ेंगे पक्का, शुक्रिया, थैंक यू। अभी 20 मिनट पड़े थे रोड क्लियर होने में, तो सोचा हम लोग जाकर ना पानी भरा है, हमारे पास गाड़ी में पानी नहीं था, ओए ना कर, उधर से जाकर पानी भरेंगे, वजह से ताज़ा पानी आ रहा है, वहाँ से जाकर शौकत भाई और मैं पानी भरने जा रहे हैं जी, अल्लाह खैर करे। चलो ये नदी, यहाँ पर बड़े लड़के नहा रहे थे पहले, बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं जी, जहाँ से पानी की आबशार आ रही है, कमाल माशाल्लाह। ये देखें जी कितना दूर है हम लोग, हमारी गाड़ियाँ देखें कितना दूर खड़ी हैं गाड़ियाँ, और हम लोग यहाँ से पानी भर रहे हैं, पहले पानी पी लेते हैं फिर पानी पी लो, बाकी घर के ले जाते हैं साथ। वो देखें दोस्तों वहाँ से भी पानी नहीं छाले, हम आगे नहीं जाते, रास्ता बड़ा ख़राब है। माशाल्लाह से हम लोग पहुंच चुके हैं जी चलास में, यहाँ चल के रूम ढूंढते हैं, हालत बहुत ज़्यादा टाइट हुई पड़ी, थके हुए हैं यार, बहुत सफ़र किया, बहुत जलील हुए हैं, रास्ता बहुत गंदा था। फेरी मीडोज होटल है दोस्तों, पहले ये चेक करते हैं, पहले हम लोग दोस्तों कमरे देख रहे हैं, कमरे चेक करेंगे उसके बाद फिर देखेंगे, हमें कमरे पसंद आए तो फिर हम लेंगे जी। बेटा दोस्तों माशाल्लाह दोस्तों रूम हमारा फाइनल हो चुका है, ये लिया जी 109 रूम फेरी मीडोज होटल के नाम से चलास में, वो फाइनल किया हमने, एक रूम फाइनल किया है और बड़ा रूम है, 4 मतलब कि इसके बेड हैं, बाकी 4 रूम भी हैं। तो माशाल्लाह से हम लोग अब होटल पहुंच चुके हैं, सारे लड़के माशाल्लाह से। तो दोस्तों आज जो हमारा सफ़र हुआ ना वो बहुत ही बुरा सफ़र हुआ, सुबह हम लोग पाटेग्राम से निकले थे और अब यहाँ पहुँचे हैं चलास में, इतना जलील हुआ है ना, असल में ना हमें शुरू में ही पता नहीं चला था कि गिलगित का रास्ता शराय रेशम से जाना चाहिए या नारायण कगान से जाना चाहिए था, हमें तो यही बताया गया था कि ये रोड अच्छा है, इस रोड से हैं तो जलील हो गए हम, बाकी देखेंगे अल्लाह पाक खैर करेगा नेक्स्ट क्या रहता है हमारा। और रास्ते में डाइवर्शन की वजह से आपको जैसे कि बताया कि हम लोग 3 घंटे वहाँ फंसे खड़े रहे, 3 घंटे 4 घंटे फंसे रहे, तो वहाँ से निकले तो अब यहाँ चलास में पहुँचे, खाना शाना भी खाया तो रेस्ट किया हुआ है, तो आज थकावट इतनी ज़्यादा हो चुकी है दोस्तों, टांगों में शदीद मेरा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बाकी वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, अब हिम्मत नहीं है मज़ीद वीडियो जारी रखने का, टाइम 10 बज रहे हैं, तो उम्मीद करता आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मेरे पेज को मेरे चैनल को लाजमी फॉलो कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।